हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साल 2024 में शारदीय नवरात्रों की दुर्गा महाअष्टमी कब है, कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त और नवमी तिथि, साथ ही जानेंगे नवरात्रि व्रत का पारण कब किया जाएगा, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, साल 2024 में शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से हो रहा है। इस साल नवरात्रि में किसी भी तिथि का क्षय न होने के कारण नवरात्रि पूरे 9 दिनों की होंगी। दोस्तों, 12 अक्टूबर को नवरात्रि व्रत के पारण के साथ ही नवरात्रों का समापन होगा। नवरात्रि को अष्टमी और नवमी तिथि सबसे खास मानी जाती है। इन तिथियों में कन्या पूजन, संधि पूजा और हवन आदि किए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं 2024 में शारदीय नवरात्रों की दुर्गा महाअष्टमी कब है, कन्या पूजन के मुहूर्त नवमी तिथि और नवरात्रि व्रत का पारण कब किया जाएगा। सबसे पहले जान लेते हैं दुर्गा महाअष्टमी कब है। दोस्तों, दुर्गा महाअष्टमी 11 अक्टूबर 2024 दिन शुक्रवार को है। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 10 अक्टूबर की दोपहर 12:32 पर। अष्टमी तिथि का समापन होगा 11 अक्टूबर की दोपहर 12:07 पर। दोस्तों, संधि पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 11 अक्टूबर की सुबह 11:42 से लेकर दोपहर 12:30 तक, और कन्या पूजन का समय रहेगा सुबह 9:14 से सुबह 10:41। अब जान लेते हैं दुर्गा महानवमी कब है। दोस्तों, दुर्गा महानवमी 11 अक्टूबर 2024 दिन शुक्रवार को है। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 11 अक्टूबर की दोपहर 12:06 पर। नवमी तिथि का समापन होगा 12 अक्टूबर प्रातःकाल 10:58 पर। दोस्तों, कन्या पूजन का समय रहेगा सुबह 9:14 से सुबह 10:41 और सुबह 11:50 से दोपहर 12:36। दोस्तों, इस साल उदया तिथि की मान्यताओं के अनुसार शारदीय नवरात्रों की दुर्गा अष्टमी और दुर्गा महानवमी का व्रत 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को एक ही दिन रखा जाएगा। अब जान लेते हैं नवरात्रि पारण और दुर्गा विसर्जन मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, साल 2024 में शारदीय नवरात्रि व्रत का पारण और दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन 12 अक्टूबर दिन शनिवार को दशमी तिथि के दिन किया जाएगा। दशमी तिथि प्रारंभ होगी 12 अक्टूबर प्रातःकाल 10:58 पर, और दशमी तिथि का समापन होगा 13 अक्टूबर प्रातःकाल 9:08 पर। दोस्तों, दुर्गा विसर्जन का शुभ मुहूर्त 12 अक्टूबर की दोपहर 1:17 से लेकर सायंकाल 3:35 तक का रहेगा। अब जान लेते हैं दुर्गा प्रतिमा विसर्जन विधि के बारे में। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार प्रतिमा विसर्जन के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के बाद साप वस्त्र धारण करें और मां दुर्गा की विधिवत पूजा करें। दोस्तों, देवी को फूल, फल, अक्षत, सिंदूर, श्रृंगार का सामान आदि अर्पित करें। दोस्तों, मां दुर्गा के समक्ष घी का दीपक जलाएं और नवदुर्गे के मंत्रों का उच्चारण करें। इसके बाद आरती कर लें। अब माता की प्रतिमा को हल्के हाथों से उनके स्थान से हिलाएं। दोस्तों, इसके बाद विसर्जन वाली जगह पर सम्मान पूर्वक लेकर जाकर मां के जयकारों के साथ किसी तालाब या नदी में विसर्जित कर दें। जय माता दी। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।